हाय एवरीवन, आप कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज पटना मेट्रो की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट, आज पटना मेट्रो जंक्शन के पूरा डिटेल की जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये पटना मेट्रो का जंक्शन है, यानी कि जिस प्रकार की पटना रेलवे स्टेशन है उसी प्रकार ये जंक्शन है मेट्रो का, जो कि ये पहला मेट्रो का जंक्शन है। और जहां पर आपको मैं बता दूं कि हर पटना के हर कोने कोने के लिए यहीं से आप मेट्रो ट्रेन चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये इंटरचेंज स्टेशन खेमनी चौक है। मैं बता दूं आपको कि पटना मेट्रो की 32 किलोमीटर में आपको जो है निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें कि 12 अंडरग्राउंड और 12 एलिवेटेड दो कॉरिडोर के साथ, और मैं बता दूं कि एक जो है आप कॉरिडोर इंटरचेंज स्टेशन खेमनी चौक, दूसरा पटना जंक्शन, यानी कि एक एलिवेटेड इंटरचेंज स्टेशन और दूसरा जो है अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज स्टेशन बन रहा है, जिसमें कि आपको मैं बता दूं कि ये जो है आप देख सकते हैं पहला मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन खेमनी चौक में, जो कि दो पार्ट में आपको मेट्रो रेलवे दिखाई देगी चलते हुए दो ट्रैक पर। यानी कि आप ये जंक्शन है, यहाँ से पटना के लिए आप कहीं से भी गाड़ी रेल बदल सकते हैं और आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप, ये सबसे बड़ा स्टेशन है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का। और ये तो बता दूं कि आप देख सकते हैं जो कि किस प्रकार जो है दो ट्रैक एक साथ बन रहा है, यानी कि यहाँ से चार ट्रैक तैयार किया जा रहा है, यानी कि चार मेट्रो इस पर एक साथ खड़ी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये खेमनी चौक का जो है सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ। मैं बता दूं कि ये जो है आपको पटना मेट्रो का जंक्शन है, और ऑलमोस्ट जो है आपको यहाँ पर एक यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ की जो है पाइलिंग का जो है आपको हाइट भी ज़्यादा मिलेगा और सबसे एक अलग डिजाइन में देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको कि ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है पटना मेट्रो की ये अलग डिजाइन में, अलग शेप में और अलग लुक देखने को मिल रहा है। तो ये पटना मेट्रो का इंटरचेंज स्टेशन है, जो कि अभी जो है ऑलमोस्ट जो है आपको 40-50% जो है काम स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो चुका है। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय